Hey, everybody.

जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर लाइक द कैरेक्टर्स इन दिस चैप्टर मेंशन तीन कैरेक्टर्स की बात करेंगे बट द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वो कौन है मटिल्डा क्लियर जिन्हें आगे जाके मैडम लॉयजल के नाम से भी हम पढ़ेंगे तो मटिल्डा वाज वन ऑफ दो प्रिटी यंग लेडीज बॉर्न एज इफ थ्रू द एरर ऑफ डेस्टिनी इन अ फैमिली ऑफ क्लर्क हैड नो डाउरी नो होप्स अब इनके बारे में क्या बोला गया है कि मटिल्डा जो है वो जैसे बहुत सी प्रिटी लेडीज है उनमें से एक प्रिटी लेडी कौन थी मटिल्डा और जितनी वो प्रिटी थी तो ऐसा लगता था उनको देखकर जैसे रिच लोगों के घर में वो यू नो उनको बर्थ लेना चाहिए था बट बिकॉज ऑफ एन एरर ऑफ ऑफ और डेस्टिनी यानी उनकी जो किस्मत में गलती हो जाती है जो एरर है वो क्या है वो कहाँ पे उनका बर्थ होता है इन अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स अब क्लर्क्स क्या होते हैं नॉर्मल प्रोफेशन होता है यानी कि मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हैं ये ज्यादा रिच फैमिली को बिलोंग नहीं करती हैं एंड ऑल्सो शी हैड नो डाउरी नो होप्स नो मीन ऑफ बिकमिंग नोन लव्ड एंड मैरिड बाई अ मैन ईदर रिच और डिस्टिंग्विश अब इनको क्या चाहिए था हमेशा से इनको रिच पर्सन की तरह यू you नो know, रहना था लाइक शी ऑलवेज वॉन्ट टू लिव लाइक द रिच लेडीज ऑफ द सोसाइटी और क्योंकि बिकॉज ऑफ द एर ऑफ द डेस्टिनी ऑफ हर इसकी वजह से उनकी जो बर्थ हुआ है वो तो एक अच्छी फैमिली में नहीं हो पाता अच्छी फैमिली इन द सेंस रिच फैमिली में नहीं हो पाता बट उसके अलावा उनके पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि उनकी शादी जो है किसी रिच पर्सन से हो जाए बट वो भी कोई तरीका नहीं है क्यों क्योंकि ना तो इनके पास डाउरी यानी दहेज देने के लिए इतने पैसे हैं ना ही कोई ऐसा होप है उनको या कोई तरीका है जिससे कोई रिच मैन जो है नोटिस करे और इनके बीच में प्यार हो जाए फॉल इन लव एंड फाइनली उनकी शादी हो जाए तो इस तरीके से जो दूसरा स्टेप था जिससे वो पैसे वाली हो सकती थी शी बिकम रिच वो भी पॉसिबल नहीं था शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी अलर्क इन द बोर्ड ऑफ एजुकेशन और होता क्या है इनकी शादी भी किससे होती है क्लर्क से ही होती है कहां पर क्लर्क है वो इन द ऑफिस दैट इज ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन तो क्योंकि कोई तरीका ही नहीं था अलाउड हर सेल्फ यू ठीक है अब कोई तरीका ही नहीं है तो शादी तो करनी है तो ये जो हैं बहुत ज्यादा सिंपल थी बट शी वॉज वेरी अनहैप्पी बिल्कुल खुश नहीं थी अपनी लाइफ से क्यों क्योंकि वो जो है कंटिन्यूसली सफर कर रही थी इंसिसेंटली का मतलब होता है कंटिन्यूस विदाउट गेटिंग सीज्ड विदाउट गेटिंग स्टॉप तो कंटिन्यूसली जो है सफर कर रही थी किस चीज़ से फीलिंग हर सेल्फ बॉन्न फॉर ऑल डेलीकेसीज एंड लग्जरीज बिकॉज इनके दिमाग में ये चीज चलती थी कि मैं पैदा ही हुई हूँ सारी यू नो लग्जरीज के लिए सारी महंगी चीज़ों के लिए और उस तरीके का लाइफ मेरा होना चाहिए बट बिकॉज दैट वॉज नॉट समथिंग विच वॉज प्रेजेंट इन लाइफ सो शी यूज टू सफ़र कंटिन्यूअस्ली क्लियर ऑल राइट

अब क्या होता है ये डिनर के टाइम पे अपने हस्बैंड के साथ बैठती है डाइनिंग टेबल पे तो उनके हस्बैंड जैसे ही ट्यूरिन जो कि एक वेसल होता है उस वेसल को जैसे ही ओपन करते हैं लिड ओपन करते हैं तो उसमें जो कुछ भी उनको दिखता है खाने के लिए उनको क्या बोलते हैं वाह इट अ वेरी गुड पॉट पा यानी कि ये जो है नॉर्मली डिश होती है बट उनको वो चीज़ भी बहुत अच्छी लगती है इसका मतलब क्या है कि वो सैटिस्फाइड है विद वट ही हैज़ नो नथिंग बेटर ऑफ एलिगेंट डिनर्स और जब इनके हस्बैंड बोलते हैं वाहरी गुड पॉट पाई और इससे बेहतर मैंने कभी किसी खाने के बारे में सोच भी नहीं सकता तो तब तो मटिल के दिमाग में क्या चल रहा होता है वो जो है वो सारे एलगेंट डिनर जो रिच लोगों के डिनर होते हैं उनके बारे में सोचती है शाइनिंग सिल्वर यानी कि जो भी utensils, है वो शाइनिंग सिल्वर की बनी हुई है थॉट ऑफ द एक्सक्सिव फूड सर्व इन मार्वलिस डिशेज और बड़ी बड़ी बिल्कुल ब्यूटिफुल डिशेस में जो अलगेंट डेलिकसीज सर्व होती है उनके बारे में वो सोचती हैड नीद फ्रॉक्स नो जूल्स नथिंग और इनके पास कुछ भी नहीं था न ही उनके पास बहुत ब्यूटिफुल गाउस या फ्रॉक्स थी पहनने के लिए ना ही बहुत ब्यूटीफुल ज्वलरी थी तो ओवरऑल वो यही सब चीजें सोच सोच कर जो है दुखी होती थी ऑन द अदर हांड उनके हस्बैंड के बारे में अभी तक क्या पता है कि वो सटिस्फाइड पर्सन थे ही वाज कंटेंटेड विद वट एवर ही हैड इसलिए ये छोटी सी छोटी चीजें भी उनको खुशी देती थी क्लियर ऑल राइट She loved only those things. Had a rich friend, schoolmate at the convent. She did not like to visit. Suffered so much when she returned. Wept for whole days from despair and disappointment. अब क्या होता था ना? इनको वही चीजों के बारे में ही सोचती रहती थी जो इनके पास नहीं है. She always thought of the things that she did not possess or you know, it is very difficult that she would ever have it. तो वो सारी चीजें सोच सोच के वो अपने आप को sufferings देती थी, अपने आप को torture करती थी, खुद गुस्सा होती रहती थी. और ऐसे ही इनकी एक rich friend थी जो इनकी schoolmate थी, उनके घर पे भी जाना ये बिल्कुल avoid कर थी क्यों क्योंकि जब भी भी अपने फ्रेंड के घर जाती थी और वहां से वापस आती थी तो क्योंकि वो रिच फ्रेंड की उनकी सारी चीजें देख-देखकर जब वो घर आती थी तो वो घंटों रोती थी वेबट यानी कि वीपिंग करना रोना एंड फॉर होल डेज फ्रॉम डेस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट और बहुत सैडनेस से और बहुत डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग के साथ वो रोती रहती थी कि क्यों मेरे पास ये चीजें नहीं हैं

अब उनका क्या होप था वॉट ही वॉज थिंकिंग कि मेरी वाइफ जो है बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी बट वो क्या करती हैं वो उस एनविल को और इनविटेशन को बहुत बुरी तरीके से टेबल पे फेंकती हैं और फिर बोलती है मैं इसका क्या करूँ क्यों क्योंकि आगे जाके हमें पता चलेगा बिकॉज शी डिड नॉट डिट द ज्वेलरी और द ड्रेस टू वेयर इन द इवेंट इस वजह से वो क्या करती है उस एनविल को बहुत बुरी तरीके से टेबल पर फेंक देती हैं और बिल्कुल भी वैसे बिहेव नहीं करती जैसे कि उनके हस्बैंड ने होप किया था यू नेवर गो आउट दिस इज एन ओकेशन फाइन वन एवरीबडी विशेष वन इज वेरी सिलेक्ट नॉट many आर गिवन टू employees. विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड there. अब वो जब अपने हस्बैंड से बोलती कि मैं क्या करूँ इस इन्विटेशन का तो वो उनको बोलते हैं कि ये बिल्कुल तुम्हें जो है बाहर जाना बहुत पसंद है और तुम बाहर जाती भी नहीं हो तो ये तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि तुम्हें बाहर जाने का मौका मिलेगा और क्योंकि तुमको ऐसे इवेंट्स बहुत ज्यादा पसंद है तो मुझे लगा कि तुम खुश होगी और हर किसी को ऐसे इवेंट में इन्विटेशन मिले ऐसा हर किसी का एक ड्रीम होता है हर कोई चाहता है और वैसे भी ये बहुत सिलेक्टेड लोगों को दिया गया है सारे एम्प्लॉयज को नहीं दिया है आई एम वन ऑफ देम और वहां हम पूरे ऑफिशियल वर्ल्ड को देख पाएंगे सारे इंपॉर्टेंट लोगों को देख पाएंगे तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो हमें जाना चाहिए

he had not thought of that why the dress you wear when you go to the theater it seems very pretty too तो उनके हस्बैंड बोलते हैं कि क्योंकि उन्होंने इस चीज के बारे में सोचा नहीं था कि अच्छा ऐसा कुछ भी होता है ऑब्वियसली वो क्या सोचेंगे कि ड्रेस वगैरह के बारे में उनकी वाइफ के दिमाग में चल रहा है तो वो उनको बोलते हैं कि अच्छा जो तुम थिएटर जब भी हम जाते हैं जो ड्रेस पहनती हो वो क्यों नहीं पहन लेती बिकॉज वो मुझे बहुत लगती है तो मटिल्डा जो है वो साइलेंट स्टीफ इन डिस्मे एट द साइट ऑफ वाइफ अब क्या होता है मटिल्डा जो है शी स्टार्टेड वीपिंग वो रोने लगती है और इसे देखकर उनके जो हस्बैंड है वो बिल्कुल साइलेंट है शॉक्ड है एंड ही इज लाइक कि उनकी वाइफ क्यों रो रही है वो देखकर उनको बहुत बुरा लगता है

कि ये इनके हस्बैंड जो है जैसे ही देखते हैं वटिल्डा को रोते हुए तो वो उनसे पूछते हैं व्हाट द मैटर तो उनकी वाइफ बोलती है कि मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है प्रॉपर ड्रेस नहीं है वहां पर पहनने के लिए मैं नहीं जा सकती हूं इस इवेंट में और बेटर होगा कि तुम एक ऐसे को लीग को ढूंढो एक ऐसे एम्प्लॉय को ढूंढो जिसकी वाइफ जो है इज बेटर फिटेड शी हैज ब्यूटिफुल और बेटर क्लोज देन मी तो तुम उसको दे दो वो ये कार्ड ताकि वो अपनी वाइफ के साथ उस इवेंट में जाए बट मैं तो नहीं जाऊंगी अब ये सुन के ऑब्वियसली उनके हस्बैंड जो है बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं बिकॉज उनको बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि मेरी वाइफ खुश होगी हम लोग उस इवेंट में जाएंगे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बट वो जैसे अपनी वाइफ की ये चीज सुनते हैं एक्सक्यूज सुनते हैं तो उसकी वजह से वो बहुत दुखी फील करते हैं बट बींग अ वेरी गुड हस्बैंड वो उनसे पूछ बोलते हैं ठीक है कोई इशू नहीं है हम इस बारे में सोचते हैं हाउ मच सुटेबल कॉस्ट्यूम कोस्ट सम थिंग सर्व फॉर अदर ओकेजन वेरी सिंपल और वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि अच्छा ठीक है मुझे एक चीज बताओ कि अगर तुम्हें जिस तरीके की ड्रेस चाहिए एक सुटेबल कॉस्ट्यूम जो बहुत सिंपल हो और बिल्कुल फिट हो फॉर दिस ओकेजन वो कितने तक की आएगी यानी वो ये चीज़ जरूर बोल देते हैं कि ये ड्रेस जो है बाकी ओकेजन में भी तुमको काम आए थोड़ी सिंपल हो ऐसा ना हो कि वो सिर्फ वही पहनी जा सकती है बॉलीवुड में और कहीं नहीं पहनी जाए क्योंकि वो पैसे जो है वो अगर एक बार वो ड्रेस लेके दे रहे हैं तो बार बार वो पहन पाए इसलिए वो ऐसा पूछते हैं क्टेड फॉर थिंकिंग ऑफ एम दैटीड्रिंगल एंड्रामिकल क्लर्क तो वो जो है थोड़ा लेती है और यह सोचती है कि मुझे ऐसे पैसे बतानेट बताना है जिसे सुनकर मुझे एकदम से रिफ्यूजल न मिल जाए एकदम से मना न कर दे मेरे हसबेंड बिकॉज वो एक इकॉनमिकल क्लर्क है उनकी पेमेंट है नॉर्मल पैसे होंगे उनके पास सेव्ड तो अगर मैं कुछ ऐसा अमाउंट बोलती हूं जिससे मुझे रिफ्यूजल मिल जाएगा तो मेरा ही नुकसान है राइट तो मुझे कुछ इतने पैसे बोलने पड़ेंगे जितने मेरे हसबेंड अफोर्ड कर पाए सो लेट्स सी वो कितना अमाउंट बोलती हैं किसको अपने हस्बैंड को आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली

वो थोड़े से टेंशन में आ जाते हैं क्यों क्योंकि उन्होंने इतने पैसे ही सेव करके रखे थे एग्जैक्ट फ्रैंक्स किसके लिए कि वो जो है गन खरीदेंगे और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ हंटिंग के लिए जा पाएंगे उनके फ्रेंड्स जो लाक्स या बर्ड्स की हंटिंग के लिए जाते हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ हंटिंग के लिए जा पाएंगे तो उसके लिए वो गन के लिए एक पैसे जो है फोर हंड्रेड वो सेव कर रहे थे बट अगेन ही प्रूव कि वो बहुत अच्छे हस्बैंड हैं बिकॉज री वेल ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस क्योंकि वो हाँ बोल देते हैं वो पूरी सेविंग जोन की हॉबी के लिए था वो सारे पैसे अपनी वाइफ को देने के लिए रेडी हो जाते हैं अगेन ही प्रूव दैट ही वेरी नाइस जेंटलमैन हीज अ वेरी नाइस हसबेंड तो वो बोलते हैं ठीक है तुम्हें मैं पैसे दे दूंगा बट प्लीज ट्राई टू है प्रिटी ड्रेस अच्छी ड्रेस लेना पहले क्या बोल रहे थे सिंपल ड्रेस लेना जो सारे ओकेजन के लिए सर्व करे बट जैसे उनको पता चलता भाई फोर हंड्रेड फ्रैंक्स भी दे रहा हूँ तो फिर अच्छी ड्रेस लेके आना Day of the ball approached. Madam Loisel seemed sad, disturbed, anxious. Dress was nearly ready. अब MME एम ई का मतलब क्या होता है मैडम वो आपको ध्यान में रखना है ठीक है जहाँ M होगा वो मिस्टर्ब एमएम का मतलब होता है मैडम तो मैडम लॉयजल या फिर मटिल्डा एक ही बात है तो जैसे ही बॉल का जो डे आता है यानी बॉल इवेंट का दिन आता है तो वो जो है सैड डिस्टर्ब और एंशियस तीनों लग रही थी यानी वो दुखी भी थी डिस्टर्ब लग रही थी और टेंशन में थी नर्वस थी ड्रेस वॉज नियरली रेडी बट ड्रेस तो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी बट देन वॉट वॉज द मैटर जिसकी वजह से वो इतनी सैड फील कर रही थी ज द मैटर विव एक्टेडलीट तो वो बोलती है, है जिससे मैं अपने आपको, आपको तैयार कर सकू मैं ड्रेस तो पहनूंगी बट अगर मैं ज्वेलरी नहीं पहनू तो मैं जो हूँ पूरी कंप्लीटली एक ब्यूटिफुलसन या

तो ये जो है बोलती है कि क्योंकि एक पॉवर्टी स्टिकन रुक रहेगा तो इससे बेहतर होगा कि मैं पार्टी में ही नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी पार्टी में अब इनके हस्बैंड इनको सजेशन देते हैं कि क्यों ना तुम नेचुरल फ्लावर्स पहन लो बिकॉज इस सीजन में बहुत फैशनेबल लगेंगे चिक मींस फैशनेबल

मेरे लिए कुछ नहीं होगा गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फोरेस्टर एंड आस्क हर टू आस्कू योर जूस इट इज ट्रू शी अब नेक्स्ट कैरेक्टर कौन आता है

अपनी ज्वेलरी मांगने के लिए सॉरी उनकी ज्वेलरी जो है बोरो करने के लिए जाती हैं। मैडम फोर वेंट टू हर क्लोजेट टुक आउट अ लार्ज अटल केस ब्रॉट इट इट ओपनड एंड सेड चूज माय डियर अब इनकी फ्रेंड भी बहुत ज्यादा सपोर्टिंग थी जैसे ही वो इनकी स्टोरी सुनती है तो वो बोलती है ठीक है कोई इशू नहीं है जाती है अलमीरा खोलती है क्लोजेट खोलती है और वहां से एक जूल केस जूल केस यानी कि एक बॉक्स जिसमें सारी ज्वेलरी रखी हो वो पूरा ज्वेलरी बॉक्स जो है लेकर आती है और मटिल्डा को बोलती है कि इनमें से जो भी चीज़ें चाहिए तुम चूज कर लो बल वर्कमैनशिप और धीरे धीरे वो सारी चीजें देखती है क्या क्या देखती है मटिल्डा जैसे वो पहले ब्रेसलेट देखती है जो हम हैंड्स में पहनते हैं जैन कॉलर ऑफ पर्ल्स देखती है यानी बिल्कुल पर्ल्स का मोतियों का बना हुआ है कॉलर नेकेलेस देखती है वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड जूल्स अब जैसे एक क्रॉस जो होता है ना वो बिल्कुल ऐसे बना हुआ है गोल्ड का जूल का तो इस तरीके से वो जो वेनेटियन जो ये ज्वेलरी थी क्रॉस वो ऐसा लगता है जैसे एडमायरेबल वर्कमैनशिप यानी बहुत ही ब्यूटीफुली कारीगरी की गई हो बहुत ब्यूटीफुली उसको बनाया गया हो ट्राइड द द बिफोर ग्लास हेजिटेटेड बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक देम और लीव देम अब बहुत अच्छी ज्वेलरी उनको लगती है वो ट्राई करती है मिरर के सामने अपने आप को देखती है बट वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पाती कि इस ज्वेलरी को वो वापस रख के जाए या फिर उसको लेके जाए तो उनको दोनों ही चीजें जो है समझ नहीं आती ना तो वो मना करना चाहती है ना ही वो उनको लेकर जाना चाहती है हैव यू नथिंग मोर लुक फॉर योर डू नॉट नो वॉट यू तो एक मटेडा को, को तो वो पूछती है से, कि आपके पास और कुछ है और कोई ज्वेलरी है तो वो बोलती है कि तुम खुद ही देख लो बिकॉज मुझे नहीं पता तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है तुम्हारी पसंद क्या है so you do, you it, और तुम्हें जो सही लगे फिर तुम वो लेकर चले जाओ सडनली डिस्कवर्ड ब्लैक साटन बॉक्स अपर नेकेकलेस ऑफ डायमंड हैंड ट्रेम एस शी टू किट आउट प्लेस डेड अब हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस एंड वॉज एक्सटेटिक लुक इट अब क्या होता है सडनली वो जब सारी ज्वेलरी वगैरह देख रही होती है उनको एक ब्लैक कलर का सैटिन बॉक्स दिखता है सैटिन मतलब एक वेलविटी बॉक्स तो वो बॉक्स दिखता है जैसे उसको ओपन करती है उसमें क्या था उसमें रखा हुआ था एक बहुत ही ब्यूटीफुल नेकलेस ऑफ डायमंड्स द नेकलेस जो चैप्टर है वो इसी डायमंड नेकलेस के ऊपर बेस्ड है तो वो एक डायमंड नेकलेस देखती है बिकॉज डायमंड बहुत ज्यादा प्राइजी कॉस्टली होते हैं बहुत ज्यादा महंगे होते हैं तो वो जो नेकलेस है उसको बहुत ज्यादा शिवर करते हुए अपने हाथों से उठाती है ताकि वो गिर ना जाए और फिर वो जैसे ही अपने गले में लगाती है थ्रोट में पहनती है और देखती है मिरर में अपने साम, अपने आप को खुश हो जाती है शी इज वेरी हैप्पी और डिसीजन ले लेती है कि यही वो नेकलेस है जो वो लेकर जाएंगी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड एम्बरेज हर विद पैशन वेंट अवे विद हर ट्रेजर तो वो पूछती है अपनी फ्रेंड से क्या मैं इसको लेकर जा सकती हूँ और वो बोलती है डेफिनेटली तुम लेकर जा सकती हूँ हाँ बोल देती है तो मटिल्डा खुश हो जाती है वो अपनी फ्रेंड को गले लगाती है एम्ब्रेस यानी हग हा एंड देन वो उस ट्रेजर के साथ यानी कि वो एक जो उनके लिए खजाना था वो जो नेकलेस जो बहुत अच्छा लगता है उनको वो लेकर चली जाती है

प्लेजर का इतनी खुशी मिलती है उनको ये सब चीज़ों से कि उनको जो एडमिशन मिल रहा है प्रेस कर रहे हैं लोग कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो चीज़ उनके लिए बहुत ज्यादा स्वीट थी एंड दिस वॉज अ विक्ट्री फॉर हर दिस वॉज अ ट्राइम फॉर हर यानी कि विन विन सिचुएशन थी उनके लिए वेंट होम टूवर्ड्स फोर ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग और पार्टी में इतनी देर हो जाती है कि सुबह के चार बजे तक वो वहीं थे और सुबह चार बजे वो घर पहुंचते हैं

इनके हस्बैंड और ये जैसे ही पार्टी से बाहर निकलते हैं क्योंकि ठंड है बहुत रात का टाइम है तो इस वजह से क्या करते हैं वो जो है उनके ऊपर रैप्स यानी कि जो स्टोल या शॉल जो भी होगी वो अपनी वाइफ के ऊपर डालते हैं ताकि उनको ठंड ना लगे रैप दैट डे कैरिड यानी ये इनको बोरो नहीं किया था बल्कि वो रैप किसका था वो इन्हीं का था तो वो लेकर अपने साथ गए थेगेंस ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम अब इन्होंने जो कॉस्ट्यूम पहना था वो बहुत ज्यादा प्रिटी था थोड़ा कॉस्टली था बट ये जो रैप था वो पुराना सा था तो ऐसा लग रहा था कि इसका लुक और उसका लुक जो एक दूसरे से क्लाश कर रहे हैं ये एक चीज बहुत ज्यादा कॉस्टली है और रैप क्या है बहुत ज्यादा चीप चीज है उसका पॉवर्टी लुक दिख रहा था

और फिर ये जो है स्ट्रीट पे सड़क पे आ चुके हैं ढूंढ रहे हैं कोई कैब वगैरह कुछ नहीं मिलता बट फाइनली इनको एक कोचमैन देखते हैं और उनको वो आवाज लगाते हैं, हेल यानी शाउट करते हैं रोकते हैं और बोलते हैं जो थोड़े डिस्टेंस पे थे कि रुक जाओ बिकॉज वी वॉन्ट टू गो समेयर लेट्स सी क्या होता है वॉक डॉग ट होपले शिवरिंग और एक रिवर साइड से लोग वॉक कर रहे हैं देवर होपलेस एंड शिवरिंग मीनस दे हैड नो होप्स की इनको कोई गाड़ी मिलेगी और शिवरिंग क्योंकि ठंड लग रही थी इनको तो उससे वो कांप रहे थे फाउंड वन ऑफ दोल्ड कैरेजेस दैट वन सीज इन पैरिस आफ्टर नाइट फॉल तो पैरिस में जब रात हो जाती है उस वक्त जो कैरेजेस दिखते हैं वैसा ही कोई गाड़ी इनको दिखती है और उस कैरेज में बैठ कर फिर वो अपने घर के लिए जाते हैं

अब क्योंकि मटिल्ला को पता है ये इवेंट एंड हो चुका है पार्टी खत्म सब कुछ खत्म तो फाइनली वो मिरर में अपने आप को लास्ट टाइम देखना चाहती है कि मैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ खुद को एक और बार देखने के लिए वो रैप्स हटाती हैं और जैसे ही वो अपने आप को आईने में देखती हैं क्या दिखता है उनको कि वो जो नेकलेस है वो प्रेजेंट

पहना हुआ था बट इफ हस्बैंड बोलते हैं अगर तुमने यानी स्ट्रीट पे वो नेकलेस घुमा दिया होता, और तो फिर आवाज आती राइट अगर वो नेकलेस गिरता स्ट्रीट पे तो हमें थोड़ी बहुत आवाज सुनाई देती इट मस्ट बी इन द कैब यस पॉसिबल तो फिर वो डिस्कस करते हैं कि हो है कैब के अंदर हो जिस कैरियर में जिस व्हीकल में बैठ के वो घर पहुंचे थे

मैं पहन लेते हैं ड्रेस अप हो जाते हैं एंड वेंट ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट टू सी इफ आई कैन फाइंड इट और वो बोलते हैं कि अब मैं उसी ट्रैक पे जाता हूँ, उसी रोड पे जाता हूँ जिस पे हम जिससे हम आए हैं ताकि क्या पता नेकलेस जो है वो रास्ते में मिल जाए तो इस तरीके से वो सर्च करने के लिए बाहर चले जाते हैं

in the clasp of the necklace and that you will have it repaired. ज ही डिक्टेटेड अब क्या होता है फाइनली इनकी जो वाइफ है मैडम लॉइज वो वेट कर रही है मटिल्डा वेट कर रही है कि क्या पता कुछ हो जाए बट इतनी सारे स्टेप्स के बावजूद उनके हस्बैंड को नेकलेस नहीं मिलता है और फाइनली जब वो घर आते हैं like like कोई भी उनका जो का तरीका था वो काम नहीं करता है तो वो क्या करते हैं अगेन वो एक एडवाइस देते सजेशन देते अपनी वाइफ को जैसे कि वो हमेशा से देते आ रहे हैं तो वो बोलते हैं मटिल्डा से अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिखो और ये बोलो कि तुम्हारे नेकलेस जो उन्होंने नेकलेस दिया था

हमें चेंज कर कर जो है दूसरा नेकलेस देना पड़ेगा शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल फाउंड चैपलेट ऑफ अब क्या होता है है ये जो पैलेस डायमंडल में एक शॉप है वहां जाते हैं ज्वेलरी शॉप पे और वहां पर उनको एक चैपलेट ऑफ नेकलेस यानी कि एक स्ट्रिंग ऑफ डायमंड नेकलेस मिलता है

लॉयजल के पास एटीन थाउजेंड फ्रैंक्स

आ जाते हैं

What would she think if she should perceive the substitution what should she say would she take her for a robber to तो वो क्यों डर रही थी क्योंकि उनके mein में ये चीजें चल रही ki कि अगर उनको aa jayega जाएगा कि ये yani ki कि एक जो inhone इन्होंने दिया था उसको हटाकर किसी दूसरे से replace करके दिया है तो क्या होगा अगर वो जो है क्या बोलने वाली hai yani madam फ्रेसियो क्या बोलेंगी क्या wo inko chor manne lagegi robber manne lagegi kisko मटिल्डा को या मैडम रॉयजल को तो ये सारी चीजें सोच सोच के वो डर रही थी कि अगर उनको पता चल जाता है कि वो नेकलेस ये नहीं है जो उन्होंने दिया था तो फिर क्या होगा

नॉर्मल uh, क्लोथ्स तो ये सब चीजों के लिए जितनी यू नो मेहनत करनी पड़ती है जितना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है अब वो सारी चीजें किसको समझ आ रही थी मटिल्डा को बिकॉज उनके पास अब वैसी लाइफ जीने का भी पैसा नहीं था बट शी डेड हर पार्ट उन्हें जो है जो कर सकती थी वो सारी चीजें हिरोइकली करी यानी कि पैसे लेकर वापस किया ऐसा नहीं किया कि कुछ गलत किया उन्होंने तो उनको ऐसा लग रहा था कि हाँ ठीक है हिरोकली अपना पार्ट उन्होंने निभाया है वॉज नेसेसरी टू पे दिस राइटफुल डेथ वुड पेड और बिकॉज अब बहुत जरूरी था ये पूरा जो कर्जा था डेप्थ था उसको पे करना वापस इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि ठीक है वो कैसे भी करके इसको पे करेंगे

वॉटर स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ हर एक नॉर्मल चीज जो है जो अभी तक वो नहीं कर रही थी वो सब वो करने लगती हैं कैसे जैसे डिशेज वॉश करना या फिर जो आ, लिनन होते हैं जो कपड़े होते हैं जिसमें सॉइल वगैरह लग गया डर्ट लग गया उसको वॉश करना क्लोथ डिशक्लोथ हर एक चीज को वॉश करके उसको आ, हंग करना ताकि वो सूख जाए देन टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट बाकेट ऑफ वॉटर जो है भरने के लिए उनको नीचे जाना पड़ता था फिर पानी भर के लेके आती थी और हर एक स्टेप पे वो रुकती थी टेक द वॉटर टू होम तो पहले यह सब चीजें आसानी से मिल रही थी, तब भी उन चीजों की वैल्यू नहीं थी वो भी कम लगता था बट फाइनली क्या होता है अब वो चीजें भी उनके पास नहीं है because she never valued those. तो इस तरीके से उनकी लाइफ जो है वो पूरी चेंज हो गई है एक थ्री 360 डिग्री का टर्न ले लिया है क्लियर ऑल राइट

उनके लिए खर्च करना या सेव करना तो वो हर एक पैसा बचाने के लिए बागेन भी करती थी हस्बैंड वर्क इवनिंग्स पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर पेज और इनके हस्बैंड भी क्या कर रहे थे ओवर टाइम कर रहे थे बहुत ज्यादा काम करते थे रात को भी वो क्या करते थे ये जो पेजेस होती थी उनको कॉपी करते थे किस तो तरीके से वो भी पैसे सेव कर रहे थे दिस लाइफ लास्टेड फॉर टेन ईयर्स एंड ऑफ टेन ईयर री ऑल और इस तरीके से दस साल लग गए उनको इतने पैसों को चुकाने के लिए इतने उधार से डील करने के लिए तो दस साल तक उनकी ये मिसरेबल लाइफ जो है वो चलती रही But फाइनलीट दी एंड ऑफ टेन ईयर वो सारा पैसा जो है वापस कर चुके थे सो नाव देवर लाइक एटलीस्ट वो रिलैक्स थे कि ठीक है अब ये सारा कर्जा जो है वो उतर गया

बिलोंग करती है क्योंकि वो इतना काम करते तो बिल्कुल ऐसा लगता है स्ट्रॉन्ग वुमन हो जाते हैं हार्ड बिल्कुल हाथ रफ हो जाते हैं एवरीथिंग तो वैसे तरीके की उनकी हो गई थी शी क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड और जैसे एक मेन जो रूट क्रूड वुमेन होती है पुअर हाउस होल्ड वैसी ही कौन बन गई थी मटिल्डा हेयर बैडली ड्रेस कट्स और जैसे वो पहले अपने आप को ब्यूटीफुली रखती थी वैसे बिल्कुल भी नहीं है उनके बिल्कुल बाल अजीब तरीके से अ, ड्रेस जो है वो बिल्कुल डर्टी सी है तो एक प्रॉपर अपीयरेंस जैसे पहले रहता था वैसा बिल्कुल भी नहीं था हैंड्स बिकेम रेड एक बड़ी लाउड टोन में बात करने लगी थी जैसे पहले डेलीकेट नॉर्मल वे में बात करती हूँ कि वैसा, वैसा वैसा नहीं था वॉश द फ्लोर्स विद लास्ट पे वाटर पूरे फ्लोर को बिल्कुल इतनी जोर जोर से पानी फेंक फेंक के वॉश करती थी जो वो कभी भी नहीं करती थी सम समटाइम्स वेन हजबीट हॉ सेफ बिफोर द विंडो और क्या होता था कभी कभी जब उनके हस्बैंड ऑफिस में होते थे

Who knows? तो वो यही सोचती थी कि लाइफ कितनी अलग होती अगर नेकलेस नहीं घुमाती मैं या फिर वो नेकलेस जो है घूमने जाता और क्या पता यू you नो know, कि किसी को भी नहीं पता होता कि लाइफ कैसे एकदम से चेंज हो सकती है शी ऑल्सो यूज टू थिंक अबाउट हाउ सिंगर इज लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस हाउ स्मॉल थिंग सेव वन तो वो ये सोचती थी यानी नेकलेस का जो लॉस हुआ था उसकी वजह से उनकी लाइफ बिल्कुल रुइन हो गई राइट बहुत चेंज हो गई और उसी तरीके से किसी किसी की लाइफ में कुछ इतना छोटी सी चीज़ होती है जिसकी वजह से पूरी लाइफ चेंज हो जाती है सक्सेसफुल हो जाता है वो पर्सन तो वो यही सोचती रहती थी कि लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं एकदम से एक छोटी सी छोटी चीज कैसे लाइफ को चेंज कर सकती है One Sunday was taking a walk in Champs-Élysées to rid herself of the cares of the week. सडनली परिवड अ वन वॉकिंग विदाइल्ड वॉज मैडम फोरेस्टियर स्टिल यंग प्रिटी अट्रैक्टिव तो क्या होता है संडे के दिन ये वॉक कर रही होती हैं चांस एलिस में क्योंकि पूरे दिन की जो भी थकावट होती है वो हटाने के लिए थोड़ा बहुत रिफ्रेश फील करने के लिए वो वॉक कर रही होती है तो वहाँ क्या देखती है वो एक वुमन को देखती है जिनके हाथ में एक छोटा सा बच्चा है एक चाइल्ड है और वो शॉर्ट ऑफ समझ पाती है कि इसको कहीं देखा है और वो कौन होती है वो होती है इनकी फ्रेंड जिनसे इन्होंने ने नेकलेस लिया था मैडम फोरेस्टियर एंड शी वॉज स्टिल यंग एंड प्रिटी एंड अट्रैक्टिव जैसे की वो थी बिल्कुल यंग खूबसूरत सी वो वैसे भी आज ऐसी हैं एंड मैडम लॉइज वॉज अफेक्टेड शुड शी स्पीक टू हर येस सर्टेली नाउटीड शी वु नॉट अप्रोच हर गुड मॉर्निंग जियान अब क्या होता है ये जो है अफेक्टेड हो जाती है बिकॉज उनको बहुत बुरा लगता है कि मेरी क्या हालत हो गई और वो अभी भी वैसी की वैसी है तो वो सोच रही होती है कि अब मैं बात करूँ देन उनको समझ आता है कि बिल्कुल करना ही चाहिए और क्योंकि मैंने अब पूरे पैसे भी लौटा दिए हैं तो क्यों ना मैं जाकर बात करूँ जाती है और उनसे बोलती हैं गुड मॉर्निंग जियान यानी हो सकता है कि अपनी फ्रेंड को जियान बोलती हूँ या फिर जियान फॉरेस्टी और उनका नाम हो क्लियर ऑल राइट

Yes, have had some hard days since I saw you, some miserable ones, all because of you. तो so, वो क्या बोलती है हाँ मेरे बहुत बुरे दिन हुए हैं बहुत miserable days जो है बीते हैं life के और जो भी दिन बीते हैं वो सब किसकी वजह से बीते हैं तुम्हारी वजह से तो so, वो इस तरीके से बोलती है को तो शी शॉक शी आस्ट हर यू रिकॉल डायमंड नेकलेस यू लर्ट मी टू वे टू द मिनिस्टर्स बॉल तो वो पूछती है मेरी वजह से क्यों हुआ तो so, वो बोलती है तुम्हें याद है जो तुमने नेकलेस दिया था मुझे मैंने तुमसे बॉरू किया था जब मुझे बॉल इवेंट में जाना था मिनिस्टर के घर पर तो ऑब्वियसली उनको याद होता है तो मैडम फोरेस्ट बोलती है ये आई रिमेंबर सो शी से मटिल्डा बताती है कि मैंने उसको घुमा दिया था तो so, वो पूछती है हाउ सिंस यू रिटर्न इट टू मी तो वो बोलती है कि वो कैसे बोल सकती हो तुम कि तुमने तुमने नेकलेस घुमा दिया दिया क्योंकि तो तो मुझे वापस कर दिया था तो लॉयजल बोलती है तो टेन ईयर टू पे फॉर इट नॉट इजी फॉर आस हैव नथिंग तो वो बोलती है क्योंकि हमने रिप्लेस किया था एक दूसरा नेकलेस ला तुमको दिया था और उस नेकलेस की कॉस्ट को प्राइस को पे करते करते हमें दस साल लग गए और जिनके पास कुछ भी नहीं होता उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है इस तरीके से उन पैसे का जो जो भी अमाउंट था उसको चुकाना

ट बोथ हर हैंडी रिप्लाइड और वो मैडम का हाथ मटेडा लेती है और उनको बोलती है, 500 वो बोलती है भाई, मेरा नेकलेस तो नकली था और वो सिर्फ फाइव हंड्रेड फ्रैंक्स का था और तुमने उसको असली नेकलेस से मुझे रिप्लेस करके दिया दस साल लग गए चुकाने के लिए बल्कि वो नेकलेस क्या था वो बहुत ही सस्ता सा चीप सा नेकलेस था इट वॉज जस्ट ऑफ फाइव हंड्रेड फ्रैंक्स जिसके लिए उन्होंने कितने थर्टी सिक्स थाउजेंड फ्रैंक्स और इनके टेन प्रेशियज इस जो है वो लगा दिया

पूरे मेन पॉइंट्स तो कवर हो गए हैं बट व्हाट इज द मैसेज बीइंग कन्वेड फ्रॉम दिस चैप्टर तो बहुत सारे मैसेजेस हैं जो आपको सीखने को मिलता है इस पर्टिकुलर चैप्टर से नंबर वन वन शुड एक्सेप्ट वॉट दे आर या फिर इसको कह सकते हो शुड बी ग्रेटफुल फॉर वॉट दे है तो जो भी हमारे पास होता है ना पहले तो उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए कि एटलीस्ट ये 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 तो है बिकॉज आर पीपल जिनके पास ये, कुछ ये सब चीजें भी नहीं होती हैं फॉर एक्जाम्पल जैसे हमारे घर में अगर मम्मी खाना बनाती है हर किसी घर में मम्मी खाना बनाती है मेरा मतलब है कि नॉर्मली जो घर का खाना बनता है हम क्या सोचते हैं अरे मम्मी क्या बना रहे हो रोज रोज दाल चावल सब्जी रोटी बर्गर पिज्जा चाहिए राइट बट वहीं अगर आप अपने से नीचे किसी को देखो तो वो लोग उस दाल चावल में भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं उनके लिए वो ऐसा होता है फाइव स्टार होटल का

ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड इज द नेक्स्ट मैसेज हम सीखते हैं कि जो भी चीजें हमें you know, चमकती हुई दिखती हैं वो सोना हो ऐसा नहीं है यानी कि जो चीजें हमें लगता है कि इससे हमें खुशी मिलेगी यही अल्टीमेट यू नो एक खुशी है लाइफ की हैप्पीनेस देगी हमें जैसे जिनके पास पैसा नहीं उनके लिए पैसा उनको लगता है कि सब पैसा मिल जाएगा तो भाई सब कुछ है बल्कि जो पैसे वाले उनके पास अलग प्रॉब्लम होती राइट तो जो भी चीजें हमें लगती है चमकती हुई वो सोना हो ऐसा नहीं है दट इज इफ यू सी समथिंग एंड वी फील दट दैट इज गोइंग टू गिव दल्टीमेट है एंड फाइनली वन मस्ट कन्फेस मिस्टेक्स अगर मटिल्डा जो है जाके बता देती फॉरेस्टियर को कि भाई तुम्हारा नेकलेस मुझसे घूम गया है तो एटलीस्ट उन्हें पता चल जाता कि वो सस्ता सा नेकलेस था फाइव हंड्रेड इतना टाइम नहीं लगता दस साल वेस्ट नहीं होता ऐसे लाइफ चेंज नहीं हो जाती तो हमेशा अगर कोई गलती हो जाती है एक्सेप्ट करना चाहिए कन्फेस करना चाहिए जाके कि हाँ हाँ मुझसे ये गलती हुई है क्योंकि क्या पता उसका सोलूशन कुछ और मिल जाए क्लियर तो इस तरीके से ये मैसेजेस जो है वो आपको कन्वे होते हैं फ्रॉम दिस चैप्टर डन ऑल राइट चलिए अगर चैप्टर क्लियर है तो लेट्स जस्ट डिस्कस टू क्वेश्चन जो कि मैं आपको दे रही हूँ एज अ होमवर्क या ये क्वेश्चंस का आंसर आपको अटेम्प्ट करना है एंड वी डिस्कस इट्स सॉल्यूशंस इन दी नेक्स्ट लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन क्लियर तो पहला क्वेश्चन क्या है शुड वन कन्फेस वंस मिस्टेक्स करेज़ियसली एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द रेसन द नेकलेस अब क्या करना है आपको

होते हैं जिनका सब कुछ होता है वो सेटिसफाइड नहीं होते हैं यानी वो सबसे ज्यादा गरीब है क्लियर तो क्या इस चीज से आप अग्री करते हो अगर करते हो देन यू हैव टू प्रूव इट विद दी रेफरेंस ऑफ दिस चैप्टर दट इज दन एक्लेस क्लियर तो यह दो क्वेश्चन है जो आपको अटैप्ट करने आर वेरी इजी फ्यूर इफ यू आर अवयर ऑफ ऑल दैक्ट्स एंड यू हैव टू द मैसेज इज कन्फिनेट यू कैन राइट द आंसर डन ऑल राइट सो लेट्स एंड दिस वीडियो और द सेन बट ऑन पॉजिटिव नोट एंड दट इज मे यू एग्जाम बी अ ग्रेट वन एंड मे यू अपटे द हाईस्ट मार्क्स ऑल द बेस्ट फॉर यू एग्जाम्स बिकॉज एग्जाम्स की तैयारी चल रही है सो आई जस्ट होप आई जस्ट सेंड द लॉर्ड ऑफ ब्लेस टू यू गाइज दट मे बू गट द फुल मार्क्स एंड यू विल डेफिनेटली गेट अगर रिलिजसली सारी चीज फॉलो कर रहे हो सारे टीचर्स की बातें फॉलो कर रहे हो यू आर फोकसिंग ऑन द ट्रैक ऑफ दिपरेशन गेट द रियल रिजल्ट तो चलिए नेस्ट एंड दिसन वी आर गोइंग टू मीटरी और इस टॉपिक की नोट की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाइक